Hello children, I am Chandra Rawat, your sports teacher. Today we are talking about fruits. कि हमें summer season में कौन से fruits खाने चाहिए. वैसे तो हमें fruits हमेशा ही खाने चाहिए, पर कुछ fruits ऐसे हैं जो हमें summer season में ज़रूर खाने चाहिए. हमें summer season में ऐसे fruits खाने चाहिए जिससे हमारी body में पड़ने वाली गर्मी से relief पहुँचे. आज मैं आपको बताऊँगी जो फ्रूट्स हम गर्मी में खा रहे हैं उनसे आपको क्या फ़ायदा होगा और ज़्यादा खाने से क्या नुकसान हो सकते हैं. जो फ्रूट्स मैं आपको बताऊंगी, कोशिश करें कि उनको आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें. नंबर वन, वाटरमेलन यानी कि तरबूज. वाटरमेलन में विटामिन ए, विटामिन बी सिक्स और विटामिन सी पाया जाता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को और आँखों के लिए बहुत ज़रूरी होता है. तरबूज में लाइकोपिन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है जो हमारी स्किन को ग्लो करने में बहुत हेल्प करता है. तरबूज में वेट लॉस के संग संग हार्ट प्रॉब्लम में भी हेल्प करता है. तरबूज में विटामिन बी सिक्स होता है जो हमारे माइंड के लिए बहुत अच्छा होता है. तरबूज में 92% पानी होता है जो बॉडी में गर्मी से होने वाली पानी की कमी को दूर करता है. यह हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखने में भी हेल्प करता है और हमारी बॉडी में सन रेस से होने वाले डैमेज को भी दूर करता है. अब मैं आपको तरबूज ज़्यादा खाने के नुकसान बताती हूँ. वाटरमेलन ज़्यादा खाने से वॉमिटिंग, स्वेलिंग, लूज मोशन, गैस जैसी प्रॉब्लम हो सकती हैं, इसलिए हमें वाटरमेलन ज़्यादा नहीं खाना चाहिए. नंबर दो, क्यूकुम्बर यानी कि खीरा. यह हाई कैलोरी और लो फैट से भरपूर होता है. यह हमारे बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होता है. इसमें 96% वाटर होता है जो हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखने में हेल्प करता है. खीरे में पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी सिक्स और विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है. ये हमारी आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है. इसको कट कर आँखों में लगाने से हम आँखों की स्वेलिंग दूर होती है और ठंडक भी मिलती है. ये हमारे मसूड़ों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है. खीरा हमारी बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है और यह जॉइंट पेंस में भी बहुत रिलीफ करता है. खीरा खाने से बैड ब्रीथ में भी रिलीफ मिलता है. ये हमें गर्मियों में होने वाली गर्मी से भी राहत दिलाता है. लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा खीरा खाने से नुकसान भी होता है. क्या आपको पता है इससे ज़्यादा खाने से हमारे लिवर, स्टमक में स्वेलिंग भी हो सकती है, क्योंकि ये हमारी बॉडी को ठंडक देता है. जिसको खांसी, बुखार या कफ जैसी प्रॉब्लम हो उनको खीरा नहीं खाना चाहिए. नंबर थ्री, नींबू यानी कि लेमन. ये विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स माना गया है. लेमन पानी से हमारे शरीर में टॉक्सिन निकालने के साथ साथ हमारे बॉडी फैट को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है और साथ ही साथ डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है. लेमन का यूज़ करने से हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है और ये इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है. आपको पता है लेमन के क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं? लेमन को ज़्यादा यूज़ करने से हमारे टीथ के बाहरी सतह यानी कि टीथ एनमल को भी नुकसान पहुंचता है. इसके लिए हमें नींबू को पानी में मिलाकर पीना चाहिए या फिर खाने के साथ यूज़ करना चाहिए. नींबू के ज़्यादा यूज़ करने से हार्ट बर्न जैसी, सीने में जलन जैसी प्रॉब्लम होती हैं. नींबू का ज़्यादा सेवन कभी कभी माइग्रेन और अस्थमा जैसे प्रॉब्लम का भी कारण हो सकता है. नंबर फोर, मस्कमेलन यानी कि खरबूजा. मस्कमेलन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, कैलोरी, विटामिन ए, विटामिन बी, बीटा कैरोटीन भी पाया जाता है जो हमारे आईज़ के लिए, बीटा कैरोटीन हमारे आईज़ के लिए बहुत हेल्पफुल होता है. मस्कमेलन ब्लड को पतला करता है और बॉडी और
ब्लड की स्पीड को भी बढ़ाता है, जो हार्ट डिसीज़ की प्रॉब्लम में भी हेल्प करता है। ये फ्रूट्स समर में बॉडी में पानी की कमी को भी पूरा करता है और हमारे स्किन को भी ग्लो करता है और साथ ही साथ किडनी को हेल्दी रखता है। मस्कमेलन नेल और हेयर के लिए भी बहुत यूज़फुल है। ये हमारे थकान को मिटाने के लिए भी यूज़फुल है, हमारी बॉडी को ठंडा करता है। मस्कमेलन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, इससे कॉलेरा जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। खाली पेट नहीं खाना चाहिए, खाली पेट तरबूजे को नहीं खाना चाहिए। खाना खाने के 2 घंटे बाद हम इसको खा सकते हैं, एक बार में ज़्यादा से खरबूजा नहीं खाना चाहिए। नंबर 5, यह ऐसा फल है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत पसंद है। इसको फलों का राजा भी कहते हैं। बिल्कुल सही, मैंगो यानी कि आम। मैंगो में मिनरल, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। मैंगो में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, मैग्नीशियम, कैल्शियम पाया जाता है और ग्लूटामिन के कारण यह याददाश्त बढ़ाने में भी मदद करता है। मैंगो खाने से किडनी से जुड़ी बीमारियां भी ठीक होती हैं। ये वेट गेन करने में भी हेल्प करता है, जो बहुत पतले हैं, मोटे नहीं हो पा रहे हैं, तो उनके लिए मैंगो बहुत फ़ायदा करता है। मैंगो सर्वाइकल कैंसर का खतरा भी इससे कम होता है। मैंगो में आयरन पाया जाता है, जो एनीमिया के रोगी और प्रेग्नेंट लेडी के लिए भी फायदा करता है। वैसे तो आम खाने से नुकसान कम होता है, पर ज़रूरत से ज़्यादा खाने से नुकसान भी करता है। शुगर पेशेंट को मैंगो नहीं खाना चाहिए या कम खाना चाहिए। ज़्यादा क्वांटिटी में मैंगो खाने से ब्लड शुगर बढ़ा देता है और ज़्यादा खाने से लूज मोशन हो सकते हैं। बॉडी में टेम्परेचर को बढ़ा देता है, जिससे एलर्जी भी हो सकती है, इसलिए अधिक मात्रा में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। ये बात है उन फ्रूट्स की जो गर्मियों में खाए जाते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे फ्रूट्स हैं जो गर्मियों में खाए जाते हैं। अगर सभी फ्रूट्स सही क्वांटिटी में लिए जाएं तो फ़ायदा ज़्यादा और नुकसान कम करते हैं, तो फ्रूट्स को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। तो आज के लिए बस इतना ही। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, स्टे होम। बाय बाय।